फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इनके टाइप्स और इनके यूजेज के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और सबको एक साथ डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो आज हम लोग कुछ कॉमन जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे वो है सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। ये नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है, मीन्स इसके यूज के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ है कि ये दो टाइप्स में पाया जाता है, पहला होता है सिंगल ब्लेडेड और दूसरा है डबल ब्लेडेड। और ये तीन साइज में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, थ्री साइज में पाया जाता है। वजाइना के साइज के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत सारे प्रोसीजर में काम आता है, जैसे एग्ज़ामिन करना है, अगर हमें वल्वा, वजाइना, सर्विक्स को एग्ज़ामिन करना है तब ये यूज होता है। अगर कोई ओपीडी प्रोसीजर कर रहे हैं, आईसीडी इंजर्शन कर रहे हैं, पैप स्मियर करना है तब इसको यूज करते हैं। डीएनसी में, वजाइनल हिस्टेरेक्टॉमी में, हिस्ट्रोस्कोपी में ये यूज होता है। और अगर कोई इन्फेक्शन है और फ्लूड को साइटोलॉजी के लिए हमें भेजना है तब इसको कलेक्ट करने, क्योंकि इसका जो वॉल होता है वो कनकेव होता है, इसलिए इसको उसमें भी यूज करते हैं। तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे वो है सिम्स एंटेरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये जो है स्पून सेप्ड होता है ट्रांसवर्स सीरेशन के साथ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद ये भी जो है इसको अक्सर ही सिम्स स्पेकुलम के साथ एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये भी ओपीडी प्रोसीजर लाइक पैप स्मीयर, आईयूसीडी इंसर्शन, इन सब चीज़ों में यूज होता है। नेक्स्ट हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है कॉस्पोज स्पेकुलम। इसमें जो है वो दो वॉल्व होते हैं, दो तरह के ब्लेड होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके जो दो वॉल्व होते हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, जिससे क्या होता है सर्विक्स का जो व्यू है बहुत ही क्लियर मिलता है। और भी बहुत सारे ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें इनको यूज करते हैं, सर्विक्स और वेजाइनल फोर्निक्सिस को देखने के लिए, पैप स्मीयर, सर्वाइकल बायोप्सी, कल्पोस्कोपी, इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। आईयूसीडी रिमूवल एंड इंजर्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हम लोग बात करेंगे चिटल फॉर्सेप के बारे में। तो ये जो है कुछ इस तरह का दिखता है, और ये मेनली यूज किया जाता है स्टराइल इक्विपमेंट को बॉयलर से, फॉर्मेलिन चेंबर से, या फिर जो ड्रम है हमारा उससे निकालने के लिए, या फिर जो गॉज पीस और पैड है उसको निकालने के लिए। अगला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो है कोचर्स आर्टरी फॉर्सेप। इसमें बहुत अच्छी होती है, इस इमेज के थ्रू आप लोग इसको देख सकते हैं। अब क्या है इसको किस किस काम में यूज़ लाते हैं, तो ये क्लैंप करने के यूज़ में आता है अम्बिलाइकल कार्ड को बेबी बर्थ के बाद, बेटर ग्रिप के लिए, और अगर टीएच में इसको यूज करते हैं तो एज ए क्लैंप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है मायोमा स्क्रू।
इसको यूज करते हैं हम मायोमेक्टमी में, मायोमा को होल्ड करने के लिए और ट्रैक्शन देने के लिए। और दूसरा है कि अगर TH कर रहे हैं, अगर लार्ज साइज का यूट्रस है तो उसको ट्रैक्शन देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। ये एक रिंग सेप्ट एंडेड होता है और ट्रांसवर्स सीरेशन इसमें पाया जाता है। आप इस इमेज के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखता है। ये किन किन चीज़ों में यूज होता है? तो अगर हम किसी भी ऑपरेटिव एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो स्पंज और गौज पीस को होल्ड करने के लिए ये काम आता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कोई सर्वाइकल टीयर वगैरह हो गया तो सर्विक्स को होल्ड करके टीयर को रिपेयर करते हैं। अगर PPH हो रहा है तो यूट्राइन पैकेजिंग में यूज करते हैं। पोस्टमार्टम अगर हमें IUCD इंसर्शन करना है तो भी ये सर्विक्स को होल्ड करने के काम आता है। अगर कोई रिटेंट प्लेसेंटल टिश्यू रह गया है उसको रिमूव करने के काम आता है। और अगर सर्वाइकल सरक्राज कर रहे हैं तो उस समय सर्विक्स को होल्ड करने के लिए इस स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है HSG कैनुला। इसका लुक कुछ ऐसा होता है। ये एक हालो रिजिड ट्यूब होता है जिसे हम यूट्रस के अंदर डाई या फ्लूड को पास कर सकते हैं। ये मेनली यूज होते हैं HSG में और क्रोमो परट्यूबेशन जब करते हैं तब इसको यूज किया जाता है। हम लोग वो पढ़ेंगे वो है एलिस फॉर्सेप। ये टूथेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें दो टाइप के टूथ्स होते हैं, 5:6 रेशियो में या फिर 4:5 रेशियो में। इस इमेज में आप लोग देख सकते ये टू साइज के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट टू साइज में आते हैं। ये मेनली यूज किया जाता है अगर DNE हम लोग कर रहे हैं तो सर्विक्स के इंटीरियर लिप को पकड़ने के लिए किया जाता है, या फिर अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो रेक्टस सीथ को रिपेयर करने के लिए। रेक्टस सीथ रिपेयर हो रहा है पेरिटोनियम या वेजाइनल म्यूकोसा अगर रिपेयर हो रहा है तो उस टाइम उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्योंकि ये टूथेज स्ट्रक्चर है तो ये ट्रामा कॉज कर सकता है, इसलिए इसको स्किन पे यूज नहीं करते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग देखेंगे एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। ये कुछ ऐसा दिखता है, इस इमेज के थ्रू आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मेनली यूज होता है एंडोमेट्रियम को क्यूरेट करने के लिए। अगर किसी को DOB या इनफर्टिलिटी है तो उसके कॉज को जानने के लिए, उसके डायग्नोसिस को बनाने के लिए एंडोमेट्रियम क्यूरेट करते हैं एंडोमेट्रियम क्यूरेट बायोप्सी के थ्रू। नेक्स्ट जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो है बॉबकॉक्स फॉर्सेप। ये क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, ट्राइंगुलेटेड ब्लेड होता है ग्रूव्ड जॉ के साथ, जैसा ये इस इमेज में आप देख सकते हैं। ये तीन साइजेस के होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ये मेनली यूज किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर लाइक ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबोप्लास्टी, सेल्फ इंजेक्टोमी या फिर अपेंडिसेक्टोमी में भी यूज किया जाता है अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्डाइम्स राइट एंगल क्लैम्प। इसमें क्या होता है, 2 इंच का राइट एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल सीरेटन सीरेशन के साथ। ये इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सीरेशन के साथ। इस इमेज के थ्रू आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये मेनली यूज होता है
सर्जिकल ऑपरेशन में पेडिकल्स को क्लैंप करने के लिए, स्पेशली पेडिकल्स जो ट्यूमर से निकलते हैं उनको क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है यूट्राइन एलिवेटर या यूट्राइन मैनिपुलेटर। ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसको मेनली यूज करते हैं जब हमारा लाप से हिस्टेक्टॉमी हो रहा होता है, तो उस समय यूट्रस को एलिवेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैंप। अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैंप को बेबी बर्थ के बाद अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट करके क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड को हम हिस्टेरोमीटर भी कहते हैं। ये मेनली यूज होता है सर्वाइकल कैनाल या यूट्रस के लेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। बहुत सारे प्रोसीजर में यूज होता है, जैसे अगर हम डीएनसी कर रहे हैं तो डीएनसी क्या है, एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, तो परफोरेशन के चांस को रोकने के लिए इसको यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, अगर कोई मायोमा है या कुछ भी है तो उसको एक अंदाज़ा हो जाता है हमें कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें हैं, इसलिए क्या है यूट्राइन साउंड को हम यूज करते हैं। इसको ये फर्स्ट डायलेटर भी होता है। अभी हमने जो हैगर्स डायलेटर पढ़ा तो सबसे पहला जो डायलेटर होता है उसको यूट्राइन साउंड को ही डायलेटर के रूप में यूज। इंस्ट्रूमेंट हम लोग बात करेंगे ग्रीन आर्मिटेज फॉर्सेप। इसका क्या होता है, ट्रायंगुलर टिप होता है ट्रांसवर्स सीरेशन के साथ लाइक दिस। ये किस किस काम में आता है, तो ये सीजेरियन सेक्शन के बाद लोअर सेगमेंट को होल्ड करने के लिए काम आता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस, और ये एट्रेमेटिक होता है, हेमोस्टैटिक होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है यूट्राइन क्यूरेट। यूट्राइन क्यूरेट जो है वो डबल इंडेड भी आता है, सिंगल इंडेड भी आता है। डबल इंडेड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे वन इंड शार्प हो सकता है, वन इंड ब्लंट हो सकता है, बोथ इंड शार्प हो सकता है, बोथ इंड ब्लंट हो सकता है, या फिर सिर्फ शार्प या ब्लंट सिंगल इंडेड जो है एक हैंडल के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये जो है डीएनसी, डीएनई, एमटीपी या फिर एंडोमेट्रियल क्यूरेट में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ओवम फॉर्सेप। क्या होता है, स्पून सेप्ड होता है और इसमें कोई भी लॉक नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है टिश्यू जो है उसके बीच में क्रस नहीं होते हैं, क्रसिंग के चांसेस नहीं होते हैं। इसको मेनली यूज किया जाता है एमटीपी एबॉर्शन में या फिर डीएनसी में रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को रिमूव करने के लिए, अगर कोई यूट्राइन पॉलिप है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो मोलर प्रेगनेंसी के केस में मोलर पार्ट्स को निकालने के लिए इसको मेनली यूज किया जाता है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है हेगर्स डायलेटर। ये मल्टीपल साइज के डायलेटर होते हैं। थ्री एम एम टू 36 mm साइज तक पाए जाते हैं। ये डबल इंडेड होते हैं और हर एंड के बीच में क्या होता है 1 mm का गैप होता है। इसका जो मेन काम है वो क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये सर्विक्स को डायलेट करने के लिए मैक्सिमम टाइम में यूज किया जाता है। ये डीएनसी में डायलेट सर्विक्स, अगर कोई यूट्राइन फ्लूड में कलेक्शन है तो उसको भी ड्रेन कर सकते हैं सर्विक्स को डायलेट करके, और अगर सर्वाइकल एम्पुटेशन किया हुआ है तो सर्विक्स की पोटेंसी को जानने के लिए सर्वाइकल डायलेटर का यूज करते हैं, या फिर अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है
तो उसमें भी यूरेथ्रा को डायलेट करने के लिए डायलेटर्स का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट एंगल रिट्रैक्टर के बारे में, इसको लैंजनबेक रिट्रैक्टर भी कहते हैं। ये मेनली यूज किया जाता है होल्डिंग बैक मल्टीपल लेयर्स ऑफ दी जो डीप टिश्यू है उनको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉवल क्लिप्स के बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स के टॉवल क्लिप्स अवेलेबल हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं। इसको मेनली यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए, अगर कोई ऑपरेटिव ऑपरेशन होने जा रहा है तो किसी जो क्लॉथ्स हैं सारे उनको इस तरह से फिक्स किया जाता है कि जो ऑपरेटिव एरिया है बस उतना ही एक्सपोज होता है, बाकी सब ड्रेप रहता है। या फिर अगर सक्शन ट्यूब है या फिर कार्ट्री वायर है, इन सब चीज़ों को भी फिक्स किया जाता है इस तरह से कि वो गिरे नहीं। तो टॉवल क्लिप जो है मेनली इस पर्पज़ के लिए यूज किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्नीज रिट्रैक्टर के बारे में, ये कुछ ऐसा दिखता है। डबल एंडेड होता है, डबल एंडेड सुपरफिशियल रिट्रैक्टर भी इसको बोलते हैं। इसका जो एक एंड होता है उसमें क्या होता है, थिक, अभी इमेज में आपने देखा होगा थिक स्मॉल ब्लेड होता है, और दूसरे साइड पे क्या होता है बाईफ्लैंज्ड हुक होता है, ठीक है, दो हुक लगे होते हैं। इसको मेनली यूज करते हैं स्किन इंसीजन के रिट्रैक्शन में, लैप्रोटॉमी में या हर्नियोप्लास्टी में। इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉल्सिलम। इसके जो हैं वो दो ब्लेड होते हैं और दोनों ब्लेड्स के किनारे किनारे टिथ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपल टूथेड होता है और सिंगल टूथेड होता है, ये इस इमेज के थ्रू आप लोग इसको पहचान सकते हैं। और इसको क्या यूज़ में करते हैं, इसको ना सर्विक्स को होल्ड करने के लिए, अगर डीएनसी हो रहा है या फिर डीएनई है कुछ ऐसा प्रोसीजर है उसमें सर्विक्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और अगर वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी या मायोमेक्टमी हो रही है उसमें भी इसको यूज करते हैं।
मेरे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जो एपिसोड में दिया जाता है उसके लिए इसका जो सेप होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का होता है, इसलिए अलाउ करता है इजी वेजाइना में जाके इसको कट करने के लिए। तो ये जो हमारे चार टाइप्स के जो मेन सीजर है वो यूज किए जाते हैं। अगला जो हम बात करेंगे यूटेरस रिट्रैक्टर के बारे में, इसका सेप जो है ये जो लॉन्ग हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर होता है ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका सेम जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह होता है, ठीक है। ये मेनली एब्डोमिनल एंड थोरेसिक सर्जरी में यूज किया जाता है। करेंगे नीडल्स के बारे में, तो नीडल्स जो है वो यूज किए जाते हैं क्लोजर के लिए, सुचरिंग के लिए। तो दो टाइप्स के मेनली पाए जाते हैं, राउंड बॉडी एंड कटिंग। तो जो राउंड बॉडी होता है वो सॉफ्ट टिश्यू की सुचरिंग के लिए यूज किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू लाइक पेरिटोनियम हो गया, मसल हो गया। और जो कटिंग बॉडी यूज किया जाता है वो टफ टिश्यू के लिए, टफ टिश्यू जैसे रेक्टस टीथ हो गया, स्किन हो गया, वजाइनल मार्जिन को करते हैं अगर PFR कर रहे हैं उसके दौरान, और अगर हम लोग हिस्टेरेक्टॉमी कर रहे हैं तो वजाइनल वॉल्ट को रिपेयर करते वक्त फिर इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू फॉर्सेप के बारे में। एक होता है प्लेन फॉर्सेप, प्लेन फॉर्सेप कुछ ऐसा दिखता है। ये मेनली यूज होता है ब्लंट डिसेक्शन में या फिर जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उनको होल्ड करने में, लाइक पेरिटोनियम एंड मसल, ठीक है। दूसरा हमारा है टूथ फॉर्सेप, स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग बात करेंगे आउटलेट फॉर्सेप्स के बारे में, तो जो फॉर्सेप होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जब हमें फॉर्सेप डिलीवरी करानी पड़ती है, तो इसीलिए डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्सेप अवेलेबल हैं। लेकिन जितने भी फॉर्सेप हैं वो मेनली उनके टू ब्रांच होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। वो इस अकॉर्डिंग होते हैं कि मदर के पेल्विस के किस तरफ उनको अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड या लेफ्ट राइट साइड, उस हिसाब से जो है ये बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बकरी बलून के बारे में। इसको ऑब्स्टेट्रिक बैलून भी कहते हैं, ठीक है। ये एक मेनली सिलिकॉन कैथेटर होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 500 ml की होती है। तो इसको यूज किया जाता है टेम्प्रोरी कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ PPH। PPH में अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें इसको यूज करते हैं, यूट्रस में इन्फ्लेट करते हैं और 500 कैपेसिटी तक फ्लूड को डालते हैं। अब हम बात करेंगे फोलिस कैथेटर के बारे में। तो फोलिस कैथेटर कुछ इस तरह का दिखता है। और ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, इसको यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाता है ब्लैडर में, जिससे जो है यूरिन को ड्रेन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेंसर वेल फॉर्सेप के बारे में। ये ऐसा दिखता है कुछ।
एक हीमोस्टैटिक होता है, लॉन्ग स्ट्रेट होता है, लॉन्ग और स्ट्रेट फोर्सेप होता है। इसमें क्या होते हैं, एकदम स्मॉल से सीरेटेड जॉ होते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे से छोटे ब्लड वेसल्स को भी कम्प्लीटली सील कर सकता है। इसको यूज करते हैं एज अ क्लैम्प इन हिस्टेरेक्टॉमी, सेल्पिंजो ओफरेक्टॉमी, ओफरेक्टॉमी, इन सारी कंडीशन में इनको यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे निडल होल्डर या निडल ड्राइवर के बारे में। तो ये टू टाइप्स के आते हैं, या तो स्ट्रेट होते हैं या तो कर्व होते हैं। इनको मेनली यूज किया जाता है जो सुचरिंग निडल होता है उसको होल्ड करने के लिए। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैल्पेल हैंडल और स्कैल्पेल के बारे में। तो स्कैल्पेल हैंडल जो है वो क्या करता है, सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करता है। ये मेनली यूज किया जाता है सर्जिकल ब्लेड्स को इजी टू हैंडी बनाने के लिए, ठीक है, इजी टू यूज हैंडी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो है ग्रिप प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट साइज के आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड के हिसाब से आप इसे इमेज के थ्रू इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, स्कैल्पेल। स्कैल्पेल भी जो है वो डिफरेंट साइजेस के आते हैं फॉर मेकिंग, फॉर कटिंग स्किन एंड टिश्यू। किडनी ट्रे, किडनी ट्रे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में, तो सॉयल ड्रेसिंग और अदर वेस्ट को रिसीव करने के लिए। तो आज हमने बात किया डिफरेंट टाइप्स के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।